जैन साथी, बिहार शिक्षक भर्ती में 6 से लेकर 8 तक माने जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि अब सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। बीसीए को कॉम्बिनेशन के लेकर अगर हम बात करें वहाँ पर भी समस्या आ रही है। अगर साइंस स्ट्रीम की बात किया जाए तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। लैंग्वेज में तो एकदम साफ है, अगर आपने किसी विषय को थर्ड ईयर तक पढ़ा है तब उसे भाषा के रूप में ले सकते हैं। लेकिन एसएसटी को लेकर आ रहा है बार बार कि जो निम्नलिखित विषय दिया गया आयोग की तरफ से उनमें से अगर कोई 2 विषय अगर आपने लिया है तभी आप बीपीएससी के इस जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। या अगर आप साइंस मैथ्स से हैं तो उसमें भी जो जियोलॉजी बॉटनी से उनका क्या होगा, खासकर जो बीसीए का अभ्यर्थी हैं या एग्रीकल्चर से अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ बीबीए के अभ्यर्थी, कॉमर्स के अभ्यर्थी और जिन्होंने प्लेन ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है उनके लिए भी समस्याएं खासा आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को एक एक करके जानेंगे, एक एक करके समझेंगे। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती माने 6 से लेकर 8 तक आवेदन करना चाह रहे थे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में जैसा आप लोग को पता हो चुका होगा कि बीएड के अभ्यर्थी तो सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें बीएड के साथ डीएलएड के भी अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे। जैसे बीएड के अभ्यर्थी हैं इसमें, या अगर आपने बीटीसी किया हुआ है या आपने डीएलएड किया हुआ है या आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में एक एक करके हम सारी जानकारी पर चर्चा करें। सबसे पहले सीटेट अपेयरिंग को लेकर बात करें। सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है, पहली बात देखिए, आयोग की जो विज्ञप्ति जारी हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि सीटेट में अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलने वाला है। माने जो अभ्यर्थी सीटेट पास है केवल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है किस इस भर्ती परीक्षा में। माने वही अभ्यर्थी इसमें जा सकते हैं जो केवल सीटेट उत्तीर्ण है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी जब बिहार फेज फर्स्ट हुआ था, शायद आपको याद होगा, तो पहली बार उसमें केवल केवल बिहार के निवासी ही फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म कम भरे गए तो अदर स्टेट को भी मौका दिया, कहा गया कि जो भारत के नागरिक हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर भी आयोग को लगने लगा कि यार फॉर्म तो बहुत कम भरे जा रहे हैं, अब क्या करना होगा। तब उन्होंने काम किया कि काम ये किया जाए कि अब जो अपेयरिंग है, चाहे वो बीटीसी हो, डीएलएड का कोर्स हो या बीएड का कोर्स हो या वो पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर फर्स्ट, क्योंकि प्रारंभिक की बात थी उस समय, पेपर फर्स्ट जो नहीं पास है वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में अगर फॉर्म भर चुके हैं तो वह अपेयरिंग में आवेदन कर दें। बशर्त यह है कि अंतिम परिणाम आने से पहले बीपीएससी का उनका परिणाम आ जाना चाहिए। अंत में यही होता है कि उन परीक्षा के अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जाकर नौकरी करते हैं, तब जाकर ठीक ठाक फॉर्म भरे गए बिहार शिक्षक भर्ती में। क्योंकि कोई भी आयोग हो, कहीं का भी आयोग हो, वो हमेशा ये चाहता है कि वो अधिकतम आवेदन ले। वो क्या चाहता है कि अधिकतम उसके पास आवेदन आए और ज्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित हो। अगर उन्होंने सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया तो उनके पास आवेदन कम होंगे। तो एक उम्मीद ये है या एक उम्मीद ये भी जग रही है कि निकट भविष्य में सीटेट अपेयरिंग वालों को भी मौका मिल सकता है। एक बात और यहाँ पर कहा जा रहा है, जो फीमेल कैंडिडेट है, जो यहाँ पर हम बात करें सीटेट महिला, जो सीटेट महिला ये 82+ की जो बात आ रही है अदर स्टेट, क्योंकि जो सामान्य महिला होंगी चाहे वो अदर स्टेट की हो चाहे जहां की हो, तो अदर स्टेट की सामान्य की बात की जाए तो अदर स्टेट के भी किस में आएंगे, यूआर में आएंगे। जब यूआर में आएंगे तो उनका 82+ होना चाहिए। तो एक बात ये भी आ रही है कि जो सामान्य महिला है जो अदर स्टेट की है उन महिलाओं को भी 82+ पे भी जो पास है, जो आरक्षित है, जो नहीं है, अगर वो 82+ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं उस विज्ञप्ति के आधार पर। तो एक बात यहाँ पर निकलता है जो सबसे सामने, कि जो सीटेट अपेयरिंग है वो अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आयोग को ये विदित हो जाएगा कि यार बीपीएससी में तो फॉर्म ही कम भरे जा रहे हैं, जब फॉर्म कम भरे जा रहे हैं सीट के से भी जितने पद है उससे भी कम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उस दशा में आपके लिए गुड न्यूज मिल सकती है। उस दशा में आपके लिए ये खुशखबरी मिल सकती है कि हाँ आने वाले भर्ती जो सीटेट अपेयरिंग है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो हो सकता है कि तब आपके पास समय कम बचा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और आयोग को हम लोगों ने मेल किया, आप लोग भी मेल करिए, क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी जाएंगे मौका मिलेगा, अच्छे और योग्य अभ्यर्थी का चयन करके वो योग्यता के पैमाने पे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये पूरी उम्मीद लग रही है कि आने वाले हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में, या हो सकता है न भी मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन हम संभावनाओं पे टिके। जैसे आपको ये संभावना लगती है हाँ यार आपको नौकरी मिलेगी, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने बीटीसी बीएड डीएलएड बीएलएड कर रखा है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप सरकारी टीचर हो जाएंगे, ये आपने भी एक अनुमान लगाया, खुद पर भरोसा है और आप ने सोच रखा है, ये सकारात्मक सोच है। उसी तरह हम लोगों ने भी सोच रखा है, ये तर्क है कि हाँ सीटेट अपेयरिंग को भी मौका
मिलेगा और देर सवेर। कुछ लोग कहना सर अगर फॉर्म भरे जाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, तो आयोग का काम है, आयोग ने आपने देखा है डेट बढ़ाते हैं, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाते हैं, परीक्षा की तिथि भी बढ़ाएं, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा गया कि परीक्षा की तिथि भी आगे पीछे की जा सकती है, पदों की संख्या भी घटाई बढ़ाई जा सकती है समय अनुसार। तो यहाँ पर सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है, यह संभावना है, इसलिए इस संभावनाओं के बल पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़े ना पढ़े, पढ़ेंगे अपने लिए नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि सीटेट के अपेयरिंग जो अभ्यर्थी है उनको मौका मिल सकता है। दूसरी बात सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जब भी जूनियर की बात करते हैं तो 6 से लेकर 8 तक में, जो 6 से लेकर 8 तक है उनमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन SST लैंग्वेज मैथ और साइंस, मैथ और साइंस का मतलब लगभग तो क्लियर है, लेकिन अब भी हमें जानते हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो छूटी पड़ी हैं, उनको भी हम देखेंगे कि विषय का चुनाव में हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन विषयों में भी देखिए कुछ एकदम गूढ़ बातें जो आपको एकदम स्पष्ट रूप से भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुकेगा, ये सभी क्लासेज आपके लिए हैं, और आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम पर आप सभी साथी जो लोग भी देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तब आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आदि चीजें मिलती रहेंगी। तो हमने देखा कि बी एड डिग्री धारक भी बन सकेंगे 6वीं से 8वीं तक शिक्षक, मानी 6 से लेकर 8 तक। वैसे हमेशा यहाँ पर क्या था, BTC DLED BLED के ही अभ्यर्थी बनते थे, अब यहाँ पर BED के अभ्यर्थी को भी मौका है, क्योंकि प्राथमिक उनको BED मौका नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन्हें का प्राथमिक मौका नहीं मिला है, अब उन्हें मौका कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ इनके लिए राज्य सरकार ने DLED के योग्यताधारी अभ्यर्थियों के साथ ही BLED माने यहाँ पर DLED BTC के साथ साथ BED को भी मौका मिला है 6 से 8वीं वर्ग में शिक्षक बनने के लिए। यहाँ पर कुछ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 6वीं 7वीं के लिए 12वीं तक लगभग 70,622 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और 32,216 पोस्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 32,216 पद है। अब इनमें भी देखते हैं कुछ चीजें हैं, अब शिक्षा विभाग स्कूल के लिए 200 पद, यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्कूल के लिए है, 6वीं से 8वीं तक अध्यापक पद स्नातक कोटि में है, स्नातक कोटि के 6 से 8वीं कक्षा के लिए गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान तथा भाषा अध्यापकों के लिए भी अलग अलग पद है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी के लिए स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डिप्लोमा का मतलब चाहे BTC हो, BED हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर, देखिए ध्यान दीजिएगा 50% से वो ग्रेजुएशन हो या PG हो, मैंने 50% से ज्यादा उसके अंक होने चाहिए PG या UG में, अगर किसी का UG में कम है तो PG में उसके 50% से ज्यादा होने चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि BED अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BED जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया राष्ट्रीय, मतलब अगर किसी ने 1 वर्षीय 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक है, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक है, स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BED जो इस संबंध में समय समय पर का, मतलब जो यहाँ पर जिनका ये सब्जेक्ट है वही 45% के एलिजिबल है, बाकी अभ्यर्थियों को 50% ही चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि अथवा न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए एक मिनट थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखी गई हैं। यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BED विशेष अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय BED MED जरूरी है। हालांकि देखिए यहाँ पे विशेष शिक्षा या डिप्लोमा तो बात हो गई, यहाँ पे काफी लोगों जो सवाल था वो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 6वीं से 8वीं भाषा विषय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुसंगी सब सीडियरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित होना जरूरी है, मतलब जो जिस विषय को भाषा के रूप में रखना चाह रहा है वो उसे स्नातक स्तर पर पढ़ा जरूर होना चाहिए। 6वीं से 8वीं सामाजिक विज्ञान अध्यापक के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए स्नातक स्तर पर, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक में हो, तो इस दशा में देखा जाए तो फॉर्म कम भरे जाएंगे। इस दशा में अगर देखें तो जो फॉर्म भरने की संख्या है वो बेहद कम हो जाएगी, इसलिए जो यहाँ पर 2 विषय लिखा है इसे आगे चलकर आयोग को
एक विषय के रूप में करना होगा। किसके रूप में? एक विषय, एक विषय के रूप में करना पड़ेगा कि एक विषय अगर इसमें किसी ने पढ़ा है तो बीपीएससी में आवेदन कर सकता है। तो यहां पर यह समस्या आएगी कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अब और कम हो जाएगी। एक तो आप तो सीटेट पास मांग रहे हैं कि भी सीटेट पास हो, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये विषय होना चाहिए। तो इस विषय की अगर संख्या की बात करें तो उनकी संख्या भी बेहद कम है, तो इसकी भी संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए पद बढ़ाए जा सकते हैं, या इसमें आयोग अपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हो रहा है उसमें भी संशोधन कर सकता है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका इसमें से कोई एक विषय है आवेदन तो वही कर पाएंगे, लेकिन जिनके नहीं है वो भी तैयारी करते रहे देर सवेर, उनको भी मौका मिलेगा। क्योंकि कहें तो मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आपको और चीजें साफ हो जाए। एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि चीजों को आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से आपके पास ज्ञात होनी जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन जरूरी है। अच्छा, नोट्स की देखिए, इलानी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी नोट्स उपलब्ध है, एनसीईआरटी के सभी नोट्स उपलब्ध हैं और ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो नोट्स आपके लिए कई जगह काम करेंगे, यहाँ पर आप भाषा के भी नोट्स उपलब्ध हैं, क्वालिफाई मार्क जो है जो आपका विषय है उसके भी नोट्स हैं, साथ ही साथ जो जीएस जीके है इसके भी नोट्स हैं और सीटेट पेपर टू के भी नोट्स हैं। तो आप यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। इस क्लास मेरी भी क्लास निशुल्क चल रही है, आप लोग टाइम टाइम से जोड़कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा, एकदम समझने का प्रयास करिएगा कि उनके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय, ध्यान दीजिएगा कोई दो विषय यहाँ पर जो है यही सवाल निशान खड़ा कर रहा है। दूसरे और बात है जो आपको जानना जरूरी है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक चीज और समझ लीजिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कॉमर्स के हैं जिनका बीकॉम है, तो बीकॉम में वो तो वाणिज्य होता है उनका, लेकिन वाणिज्य के साथ साथ अगर उन्होंने अर्थशास्त्र को भी पढ़ रखा है तो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने वाणिज्य के साथ साथ अर्थशास्त्र को पढ़ रखा है वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अब हम चलते हैं उनके लिए जो साइंस वर्ग के हैं, जो साइंस वर्ग के विज्ञान वर्ग से उनके लिए यहाँ पे देखिए। अब इस प्रकार छठी आठवीं अध्यापक गणित विज्ञान, क्योंकि अब आपको गणित विज्ञान 80 नंबर का जो पेपर होगा वो दोनों आपको देना होगा, ठीक। 80 नंबर जो विषय यहाँ पे मैंने बताया 80 अंक के, ये विषय जो है ये 80 अंक का जो होगा, इसमें गणित विज्ञान दोनों होगा। और इस गणित विज्ञान के सीरीज में अध्यापक पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित होना चाहिए, ठीक, भौतिकी होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए, इसमें से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर। फिर देखिए कोई दो विषय, दो विषय का मतलब जो जीव विज्ञान बेचारा लिया है, जो बायोलॉजी है तो हो सकता है कोई जियोलॉजी बॉटनी से हो तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। मतलब अगर वो जीव विज्ञान साथ रसायन विज्ञान, मतलब वो बायोलॉजी के साथ फिजिक्स पढ़ाए तो या केमिस्ट्री पढ़ाए तब आवेदन कर पाएगा, या जो पीसीएम है, माने कोई दो विषय अगर उसने स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तभी वह इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएगा। तो आगे चलकर आयोग को यहाँ पर भी एक विषय का जो कॉन्सेप्ट है, अगर गेवशे उन्होंने एक विषय के रूप में किसी भी विषय को पढ़ा है तो आवेदन कर पाएंगे। बीटेक के अभ्यर्थी जो है उनके लिए भी इसमें मौका ही नहीं दिया गया कि जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं, जो बीबीए किया है, जिन्होंने बीसीए किया है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया है, तो उनके यहाँ पे मौका ही नहीं दिया गया। क्या वो जूनियर शिक्षक भर्ती में नहीं पढ़ा सकते अगर वो शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पास है तो यहाँ पर कई चीजें हैं कि यहाँ पर आगे चलकर जैसा कि मैंने बताया आप पेरिंग को भी मौका दे सकते हैं। और इस विषय का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉम्बिनेशन का जो सब्जेक्टों का विषयों का है जो, उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आपको आगे मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो आवेदन की संख्या बेहद कम हो जाएगी। और जब आवेदन की संख्या कम होगी तो आपके लिए समझ रहे हैं कि किस प्रकार से समस्या बनती जाएगी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना राय दीजिएगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, और हाँ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो 6 से लेकर 8 तक के लिए फॉर्म भरना चाह रहे थे, 6 से लेकर 8 तक आवेदन करना चाह रहे थे। कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देना चाहूंगा, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले, वैसे इसकी जो पेज है इलर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पर, मैं बार बार इसलिए टेलीग्राम पर कहता हूँ कि टेलीग्राम पर एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है वो बैठ गए होंगे, बैठिए मत, तैयारी करते रहे, हो सकता है क्योंकि आपने देखा कि पीछे जो फेज फर्स्ट हुआ था हर दो दिन के बाद बीपीएससी ने कोई नया नया फरमान जारी किया, और पहले तो यहां तक था परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होंगे, बाद उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया परीक्षा से कुछ दिन पहले, मतलब पेपर छपने के बाद। तो यह भी है कि ये संभावनाओं का खेल है, और आप अपने हिसाब से आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहें, आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें, यकीन मानिए सफलता आपको मिलेगी, सिलेक्शन आपको मिलेगा। अगर कोई कह देता सर अगर कोई बदलाव नहीं हो तो क्या हुआ, तो आपने अगर पढ़ लेंगे, आपने मेहनत कर लिया, क्या कोई आपका ले लेगा, क्या आपसे कोई छीन लेगा, यही आपकी वास्तविक पूंजी है। आज नहीं कल आप परीक्षा देंगे और आप सफल जरूर होंगे, ये संभावनाएं हैं, ये
रिस्क है। जैसे हमने सोचा है कि आप सोचे हैं कि नहीं यार हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हम सरकारी मास्टर है मस्टाइन ही बन जाएंगे, तो ये भी तो सोच है, क्या सच है कि आप बन ही जाएंगे? लेकिन हाँ, आपने उम्मीद रखी है, आपने संभावनाएं व्यक्त की है और इन संभावनाओं से आप आगे बढ़ेंगे, तो ये भी पूरी संभावना है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी आगे मर्जी, जो भी होगा बीपीएससी के निर्णय अनुसार होगा। और मुझे ऐसा लगता है बीपीएससी आने वाले समय में कुछ निर्णयों को अपने पलटेगी ताकि ज्यादा आवेदन हो, क्योंकि आवेदन ज्यादा होना भी जरूरी है, आवेदन कम रहने पर आयोग के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं। इसलिए अब यहां पर यह है कि अब आवेदन की संख्या और कम हो जाए, तो सीटेट क्वालिफाई जो है उसको लेकर तमाम है, फीमेल कैंडिडेट के जो क्वालिफाई मार्क्स हैं उसको भी लेकर यहां पर संशय है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब आपको मिलना बेहद जरूरी है। अब यहां पर देखिए, अब मुझे लगता है आपके जो डाउट्स है वो पूरी तरह से आपके क्लियर हो गए। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं एक बार सारी चीजों को फिर से समझ लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। अदर स्टेट के लिए भी मैंने आपको एकदम स्पष्ट बता दिया। देखिए जो अदर स्टेट है, देखिए आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके जुड़ेंगे ना आपको सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी, और इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाएंगे तो व्हाट्सएप पे जो भी सूचना होती है एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। और नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ सभी नोट्स आपको ई-लर्निंग पे दुर्गेश के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे, जो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करने का मौका देंगे। प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी टेलीग्राम पर आपको आ रही है, जो मिल जाएगी। मैराथन क्लास मेरी निःशुल्क आ रही है, एक दो दिन मेरी क्लास जो भी होती है निःशुल्क होती है, क्योंकि मैं गेस्ट करूँ पढ़ाता हूँ, समय बचा है तो मैं पढ़ाता हूँ, लेट नाइट ये वीडियो भी शेयर करना पड़ता है कभी कभी आपके लिए, ताकि आप पढ़कर आगे बढ़ सके। फिर से मैं अपनी बातें रिपीट करता हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर फेस टू की मैं बात करूं, वहां पर वर्ग 6 से लेकर 8 तक, 6 से 8 तक के लिए जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं उनके लिए देखिए सीटेट में मौका मिल सकता है, यह भी संभावना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मौका मिले ताकि ज्यादा ज्यादा अभ्यर्थी जाए। और अदर स्टेट की जो महिला है क्या उनको 82+ पाओ, क्योंकि जो विज्ञप्ति उसमें साफ साफ लिखा है कि सामान्य महिला के लिए 55% अर्थात 82+ की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार यह है कि अदर स्टेट की महिलाओं को 82+ पे लिया जा सकता है, अगर अदर स्टेट महिला है 82 है तो फॉर्म भर के रिस्क ले। कहेंगे सर मैं फॉर्म क्यों भरूं, मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलनी है। फॉर्म भर दीजिए, कम से कम आपके पास ये तो रहेगा आपने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और अंत में आपको नौकरी मिली, और हो सकता है उस समय आयोग संशोधन कर दे और आपको मौका मिल जाए। क्या बीएड के अभ्यर्थी ने प्राथमिक में फिर बीपीएससी में फॉर्म भरते समय क्या उनको पता था कि परीक्षा देने के बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? एकदम नहीं पता था। तो ये होने कल को क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज ही हमारा हमारे कल का एग्जांपल होता है। इसलिए आज अपने को बेस्ट बनाने का प्रयास करें, आज जो है जिसमें आज में हमें उसे बेहतर करिए। लाइफ में अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए। एक अटेम्प्ट खराब, कुछ लोग सर मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट मिला है, भगवान करेंगे एक अटेम्प्ट खराब होने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में 3 साल 4 साल के बाद मौका मिले कि भर्ती तो आएगी, लेकिन जरूरी नहीं अगली बार है। ये भी हो सकता है 3 अटेम्प्ट की संख्या 5 कर दे 7 कर दे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बढ़ा जा सकता, ये भी है। हो सकता है अगर यूपी से है तो फिर यूपी में भर्ती आ जाए, वापस अपने यूपी में आ जाए। इसलिए जिनके 55% महिलाओं 82+ है वो फॉर्म भर के रिस्क लें, हो सकता है लास्ट दिन में करें, हो सकता है अभी पोर्टल में आ जाए ठीक है, नहीं आता तो फॉर्म भरेगा, क्योंकि विज्ञप्ति का आधार है आपके पास कि यहाँ पर महिला सामान्य महिला के लिए कहा गया। पुरुष अभ्यर्थी जिनको 90+ चाहिए, अगर वो उनको भी डर है कि अपेयरिंग में अगर मौका है तो ठीक है फॉर्म भर दे, हो सकता है कल को मौका मिल जाए, तो फॉर्म भर के परीक्षा दीजिए। कम से कम एक तो रहेगा हमारे पास नौकरी मिली थी, एक नाम तो जारी होगा आपका लिस्ट में, डीबी होगा, हो सकता है डीबी में आपको बाहर कर दीजिए, लेकिन अंतर से आप ये रहेंगे कॉन्फिडेंट रहेंगे हाँ आपको नौकरी सरकारी मिली थी। तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत ऐसी राय है कि जो महिला 82+ है अदर स्टेट की उस विज्ञप्ति का आधार वो फॉर्म भरे, ये मेरी सलाह मेरी राय है, आप माने ना माने आपके ऊपर है ठीक। दूसरी बात ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बन रहा है उनके पास भी ऑप्शन है कि अपना घर बैठ के हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे या फॉर्म भर दे। फॉर्म भरेंगे परीक्षा देंगे, परीक्षा का फीस लगेगा और वहां जाने का किराया लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपने इतनी डिग्री अर्जित करने में इतने पैसे खर्च किए तो एक छोटी सी काम यह है कि आप अपने लिए फॉर्म भरिए, एक लाइफ में एक और इसके लीजिए, हो सकता है कि सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाए और आपको नौकरी मिलते मिलते मिल जाए। लैंग्वेज की एसएसटी और लैंग्वेज और मैथ साइंस वाले ध्यान दें। एसएसटी के जो अभ्यर्थी उनके लिए सब्जेक्ट दिया गया कि 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आपका एक विषय है तो भी मैं कहता हूं कि आप रेस्ट लीजिएगा, आगे क्या होगा हो सकता है संशोधन हो जाए, लेकिन ऐसे लोग फॉर्म थोड़ा सा लास्ट में भरने का प्रयास करें, हो सकता है बीच में ही कोई ऐसे संशोधन आ जाए। क्योंकि लैंग्वेज के लोग का सबसे ज्यादा लैंग्वेज के अभ्यर्थियों को लेकर भी है कि जिन्होंने 3 वर्षीय पढ़ा है ग्रेजुएशन में क्या वही भर पाएंगे? जी हाँ, जो 3 वर्षीय पढ़ा है वही केवल लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा भी अभ्यर्थी है जिन्होंने 2 वर्ष ही पढ़ा है भाषा को, जैसे हिंदी भाषा उन्होंने सेकंड ईयर तक ही पढ़ा है, तो वो सोच रहे सर मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा मैं क्या करूँ, न भरने से अच्छा है
कुछ तो करो, न करने से अच्छा कुछ तो करो, यही सफलता की शुरुआत होती है और यही आपके सपनों को भी साकार करेगी। तो मेरा ये व्यक्तिगत आप क्लियर आया है। दूसरा, मैथ साइंस का अभ्यर्थी जिनका बायो स्ट्रीम है, तो जो जूलॉजी बॉटनी से उनके लिए समस्या है, सर मैं जूलॉजी बॉटनी से मैं क्या करूंगी, मेरे लिए क्या होगा, तो आप भी यही है कि आप भी इस पर बेस्ट और बेहतर दीजिए, फॉर्म भरने का प्रयास करेगा, अभी नहीं लास्ट टाइम पे सब्जेक्ट मांगा जाएगा, हो सकता है लास्ट में आपको बाहर कर दिया, ये भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो, ये भी तो सकता है क्योंकि आपकी मेहनत में कमी है। तो कई चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी जब आप फॉर्म भरेंगे तब। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है, इस वीडियो में कमेंट करिएगा, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आपने सवाल पूछ सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। और साथ ही साथ एक ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर जिस पर आप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यहां पर देखिए आपको सीटेट के भी नोट्स मिल जाएंगे, सीटेट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के भी नोट्स जो है आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप वाला नंबर जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप इस पर केवल व्हाट्सएप करिएगा, तो उसके लिए ही करिएगा कि नोट्स से संबंधित है अपने ग्रुप में जुड़ने के लिए। ठीक, कुछ लोग हैं कि अपना सवाल ही पूछना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसे वो उतनी जानकारी तो नहीं है, वो आपको जानकारी दे पाएंगे। अब कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके मन में हो तो कमेंट करिएगा और रिस्क लीजिएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज रेस। मैं आज पढ़ा रहा हूँ पता नहीं कल मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं, अगले दिन मैं आ पाऊंगा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, हो सकता है कल आपकी सारी चीजें आपके पक्ष आपके फेवर में आ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत लगाएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छा लगता है, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन है और आगे भी सिलेक्शन रहेगी। इसलिए होना ना होना ये कल पर है, जो इस चीज को फॉलो करते हो तो फॉर्म भरें, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी है कि अदर स्टेट की महिला भी भर सकती, बाकी आपकी मर्जी, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, माने ना माने आपकी मर्जी है और अपने रिस्क पर ही मानिएगा, क्योंकि मैं ये सलाह दूंगा एक शिक्षक, मैं होता भर्ती आपकी जगह तो मैं यही करता। ठीक, बाकी आपकी मर्जी, आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे सारी चीजें आपके पक्ष में हो, सीटेट रिपेयरिंग को मौका मिले, सब्जेक्ट के लिए भी एसएसटी के लिए और मैथ साइंस के लिए भी मौका उन अभ्यर्थियों को मिल जाए जो अभ्यर्थी एक वर्ष में ही उन विषय को पढ़ा है। ठीक, क्योंकि बीपीएससी के जो आयोग की परीक्षा है उसमें तो उत्तीर्ण होंगे, वहां पर अपनी योग्यता साबित करेंगे, वहां उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का मौका भी मिलेगा। आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। क्लास के टाइम में आपको पता है टेलीग्राम पर आप जाएंगे मिल जाएगी, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर आपको अन्य चीजें भी क्रमवार रूप से मिल जाएंगी, पूरी कंप्लीट 6 से 12 की एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगी हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में। थैंक यू सभी का, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कोई सवाल होगा कमेंट में छोड़ दीजिएगा, ठीक नीचे कमेंट सेक्शन में, और फेसबुक पे बैठे को फॉलो करें, जहां भी आप वीडियो को देख रहे हैं फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथी जो है जैसे जिनको 6 से लेकर 8 तक संशय था उनके सारी समस्या यहां पर समाप्त हो जाए। बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इतनी मेहनत करें आप, इतनी मेरा मदद करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।